हुई पार्टी ने आज पूरे देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम रखा है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता। किस लिए किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी कसूर के केवल गठबंधन को तोड़ने के लिए, केवल अरविंद जी को चुनाव से दूर रखने के लिए एक झूठे फर्जी केस के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिस फर्जी केस के अंदर पिछले 2 साल से 1500 अफसर इंक्वायरी कर रहे हैं, हजारों जगह रेड कर चुके हैं, आज तक कहीं से 25 पैसे नहीं मिले। उस फर्जी केस के अंदर चलते चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कायर चेहरा सामने आया है, ये प्रधानमंत्री का कायर चेहरा सामने आया है। क्या कहेंगे आपके सामने जो कैंडिडेट है उस पर बार बार आप आरोप लगा रहे हैं? कोयला चोर है, 1,86,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कोयला खाया, 195 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत दी, फिर भी वो इसके ऊपर बरकरार है। वो केस देश के प्रधानमंत्री को स्पष्टता करनी होगी। क्या प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में आके झूठ बोल के गए थे? क्या प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र की जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या इनके पास कौन सी ऐसी वाशिंग मशीन है कि 20 FIR लिखने के बाद भी देश का 1,86,000 करोड़ रुपये 195 करोड़ रुपये में बेच दिए? 195 करोड़ रुपये बीजेपी ने ले लिए, ये जो टैक्स पेयर के मनी है, देश की जनता के मनी है, 1,86,000 करोड़ रुपये वो देश के पास कब जमा होंगे? ये जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। कैथल में जो कार्रवाई उससे संतुष्ट है? कार्रवाई कौन सा बीजेपी का ऐसा नेता जिसके दबाव के अंदर ये भद्दी गालियां लिखते हैं, ये परमिशन देने से मना करते हैं, ये छोटी छोटी मछलियों को सस्पेंड कर देना, उनके खिलाफ FIR लिख देना समस्या का हल नहीं है? किसका दबाव के अंदर ऐसा हुआ? ये बात जनता के सामने आनी चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास हो सके। आप आरोप लगा रहे हैं कि किसी बड़े चेहरे का हाथ है इसके पीछे? 100% भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता का हाथ है? क्या यहाँ के मुख्यमंत्री का हाथ है? क्या यहाँ के किसी और नेता का हाथ है? ये भारतीय जनता पार्टी को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। गुप्ता जी का कहना है कि कैथल में जिस तरह से टिप्पणी की गई इनकी परमिशन पर, उसके पीछे किसी बड़े बीजेपी नेता का हाथ है और इसकी जांच होनी चाहिए। रणदीप रोड, पंजाब के सिटी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।